एक्शन रिव्यूज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा टीवीएस जुपिटर 125 के बारे में, इसका रिव्यू दूंगा और ये कैसी स्कूटी है और आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका रिव्यू देता हूँ मैं आपको बताऊँ तो इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं। इसकी ये जो लाइट दे रखी है इसमें हमें LED देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्रोम का टच दिया गया है। आगे बात करूँ तो पहले जो आया करता था पूरा फाइबर का आया करता था, ये पार्ट हो गया फाइबर का आया करता था और ये पार्ट भी फाइबर का होता था, लेकिन अब इसमें क्या चेंज कर दिया गया है कि यहाँ पे जो है हमें मेटल दिया गया है, ये वाला पार्ट और ये वाला साइड वाले, और ये वाला जो पार्ट है ये केवल फाइबर का है और ये भी मेटल का कर दिया गया है, पहले ये भी फाइबर का आया करता था। तो काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं TVS की तरफ से। आगे बात करूँ तो बाकी साइड लुक की बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो है मेटल देखने को मिलता है, और इधर जो होता है हमारा जो नीचे ये हमारे को फाइबर देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक का दिया जाता है। अब बात करूँ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पहले वाली जुपिटर से और दूसरे स्कूटर्स जो आते हैं। बाकी इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है क्वालिटी, सारा कुछ चेंज कर दिया गया और यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश दी गई है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जुपिटर की बैजिंग आप देख सकते हैं। साइड लुक मैंने आपको दिखाई, अब इसको एक बार बैक से दिखाता हूँ आपको, ये आप बैक से देख सकते हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। बाकी आप ये इंजन देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो हमें काफ़ी लोगों को डाउट है कि ये क्या चीज़ है तो ये बता दूँ आपको, अगर जैसे आप पानी में चलाते हैं और फिल्टर में पानी भर जाता है तो ये पाइप इसलिए होता है कि यहाँ से आप खोल के इसको पानी निकाल सकते हैं, इसलिए ये पाइप दिया गया है। और यहाँ पर नाइट्रोक्स सस्पेंशन देखने को मिलते हैं हमें, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं इसका, यहाँ पे स्टील का प्रयोग किया गया है सिल्वर क्रोम का, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और बात करूँ तो मैंने आपको हर तरह से दिखा दिए, साइड प्रोफाइल दिखा दी, अब इसके अंडर स्टोरेज की बात करता हूँ। बाकी आप अंडर सीट स्टोरेज देख सकते हैं, 33 लीटर का देखने को मिलता है यहाँ पर, आपका काफ़ी बड़े साइज़ का हेलमेट आ जाता है, जैसे मैं आपको एक बार हेलमेट रख के दिखाता हूँ। बाकी आप हेलमेट देख सकते हैं, ये एल साइज़ का है स्टील वर्ड का, और ये मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये देखिए अब मैंने इसमें रखा जैसे, अब बंद करके चेक करते हैं, तो मैं आपको सच बताऊं तो इसमें हेलमेट नहीं आ पा रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का हेलमेट है, तो आप अगर इसमें मीडियम साइज़ का हेलमेट रखेंगे तो आपके आ जाएंगे दो हेलमेट आ जाएंगे, एक लेडीज़ हेलमेट होता है एक छोटा वाला और एक मीडियम साइज़ का, आराम से आ जाता है। बाकी आगे बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो है स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे कहते हैं TVS वाले कि इसमें सिलेंडर आप आराम से रख के ला सकते हैं, तो बाकी अभी चेक करने पे ही पता लगेगा, वैसे लग तो रहा है क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। बाकी फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिया गया है नीचे इधर, और ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि नीचे लगेगी तो कहीं फ्यूल टैंक में से पेट्रोल ना निकले, क्योंकि वो मेटल का दिया गया है और अच्छी क्वालिटी का दिया गया है, कुछ सोच समझ के रिसर्च करके ही नीचे लगाया गया होगा। और बात करूँ तो यहाँ पर आप पेट्रोल यहाँ से भरवा सकते हैं, यहाँ से खोल के, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, आपको सीट नहीं ओपन करनी पड़ेगी। पूरे चेंजेस कर दिए गए हैं TVS वालों ने, ये स्कूटर स्पेशल बनाया है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा मतलब सहूलियत वगैरह चाहते थे। और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है मीटर में, और यहाँ पे एनालॉग का स्पीडोमीटर है और यहाँ पर डिजिटल का मीटर दिया गया है, और यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं। बाकी इस टाइम अभी इसमें फ्यूज़ नहीं है इसलिए मैं ऑन करके नहीं दिखा सकता आपको। बाकी इंजन की बात करूँ अब इसके, तो इसमें 8.15 PS की पावर देखने को मिलती है 65 RPM पे, 6500 RPM पे, और 10.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 4500 RPM पे। और माइलेज की बात करूं, इसकी माइलेज जो है आपको मैं सच बताऊं तो इसकी कंपनी क्लेम करती है 52 की, बाकी ये माइलेज जो देगी आपको 45 से 47 के बीच में देगी। और बात करूँ इसके पेट्रोल टैंक की, तो इसमें जो है हमें आपको 5.1 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। बाकी इन स्विचेस की क्वालिटी बताऊं आपको तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, और ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ बना दी गई, मतलब ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए चलेंगे, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। बाकी आप स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या पोस्ट करके आप देख लें। बाकी मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एज अ स्मॉल यूट्यूबर प्लीज़ सपोर्ट करना। बाकी यहाँ पर आपको 12 वाट का चार्जर ऑप्शन मिलता है USB का, और लेकिन इसमें अभी ये बेस मॉडल है तो इसमें अभी नहीं है, आप ये लगवा सकते हैं। बाकी इस हुक की बात करूँ तो आपको इस पर 3 kg का वेट आप इस पर रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 किलो तक की इसमें कैपेसिटी दी गई है। और एयर की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितनी एयर भरी जाएगी, पॉज करके देख लेना।
बाकी इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ देखने को मिलता है, जैसे स्टैंड लगा रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगी ये। और यहाँ पे भी आप स्टोरेज देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दी गई है। मोबाइल जैसे आप चार्ज करते हैं तो यहीं पे रख सकते हैं। इसमें हमें इंटेलिगो की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे अगर हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और अगर स्टार्ट करनी हो तो हमें ज़रा सा ऐसे एक्सेलरेट करना होगा, ये स्टार्ट हो जाएगी ब्रेक दबा के और फिर हम आगे जा सकते हैं। बाकी इसमें यही था, मैं आपको इसमें शोरूम की डिटेल्स दे देता हूँ कि इसमें मैं कौन से शोरूम पर था, और आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। और बाकी हम नीलम बाटा रोड पर खड़े हैं और ये आप ओम टीवीएस देख सकते हैं, यहाँ पर आप आके विजिट करें। बाकी ये जो जुपिटर थी इसका प्राइस होगा 77,150 है बेस मॉडल का, और 82,150 टॉप मॉडल का डिस्क वाले का। आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं नीलम बाटा रोड फरीदाबाद, और आप आके यहाँ पे अतुल जी से मिल सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यही था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।